Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. She's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, talk to her. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, who are you? Why don't you mind your business? Come on, okay. Listen, shut up. If you're abusing, abuse in Hindi. At least I can understand. Are you leaving or you want me to help you? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give her more. Come on, more. Yeah, why me? I'm telling you. Okay. Hey, did you look at him? Look at him. Hey we've got her, bro. Hey. Did you see that? But she's his. Man. His, understood? Yeah. Go find someone else for yourself. अबे देख के चलना गोरे गो गो टॉक टू हर कम ऑन गो टॉक टू हर हे ब्यूटीफुल शुड वी गो फॉर अ कॉफी व्हाट डू यू से जस्ट शट योर माउथ एंड गेट लॉस्ट यू डोंट लाइक कॉफी टेल मी जस्ट बज ऑफ ओके 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 नो प्रॉब्लम इसीलिए मैंने कहा था शी इज माइन गो 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 सच अ डेंजरस बेब आई लव यू मोर गिव मी मोर डॉक्टर ने क्या कहा माँ कुछ नया नहीं वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है शुगर पर कंट्रोल करना होगा और क्या आप कभी साफ साफ नहीं बताती ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ माँ मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं वो नालायक है उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है आप देख लीजिए कमा एक दिन जरूर होगी इसी बात का तो डर है कहीं उसके जाने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी माँ जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ मैं चैन से मर पाऊंगी मुझे उससे बात करनी होगी तो जल्दी फ्लैशबैक में 1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मजदूर ब्रिटिश ले गए ताकि वो वहां पर एक बेकार सा पुल बना सकें। उन्हीं में से एक थे मेरे बॉस के दादाजी आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई वैसे वो कैप्टन बहुत ही बदमाश था सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेंक दिया और फिर वो जहाज इंग्लैंड जाने के बजाय सीधे पहुंच गया पोर्चुगल और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तौर पर दे दिया वहां की लोकल गवर्नमेंट को और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तौर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंड्रा उनके दादाजी वहां पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे जहां स्मार्टफोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया अपने सारे रिश्तेदारों को उन्होंने कैसेंड्रा में बुला लिया और धीरे धीरे वहां की आबादी भी बढ़ने लगी जहां पहले आबादी 752 थी वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुंच गई थी
और धीरे धीरे वहां पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बातचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट को अल्पाहार, गुड आफ्टरनून को शुभ मध्यवेला और गुड मॉर्निंग बन गया शुभ दिन। मैं यहाँ पर पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ती, फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 1928 हिंदी फर्स्ट बैच ऑफ कैसेंड्रा। मेरे बॉस की पूरी कहानी अलग हुई होती अगर उनके दादाजी उस जहाज में नहीं होते, तो फिर क्या होता? सर मैंने तो अब डिसाइड कर ही लिया है, मैं अब शादी करूंगा तो किसी पोर्चुगल लड़की से ही करूंगा। क्या है कि इंडियन लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं सर। क्या है कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। वैसे मेल जोल करना एक कला है सर, ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर। किसी के पास जरा उधर देख सर, वो दिखने में इंडियन लग रही है ना। हाँ सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर। वन लार्ज प्लीज, इन दिस प्लीज, एंड नो टैप वाटर प्लीज। गुची ब्लूम, इंडियन? या, ये परफ्यूम मैंने बनाया है। इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओह रियली? तुम समझदार हो और क्रिएटिव भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पाते हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती, तुम्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं। करेक्ट बोल रहा हूं? हर सैटरडे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। One second. Why? चांसेस होने भी नहीं देते। हेलो सर। हेलो किशोर। हाँ सर बोलो। किशोर यहाँ मैच शुरू होने वाला है, हेलमेट चाहिए। सर हाउ स्वीट ऑफ यू सर, आपने फोन करके मुझे याद दिलाया, मैं कल मैच की हाइलाइट देख लूंगा। गुड नाइट सर। हे हे, कॉन्डम चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मैं उनका पीए हूँ या कुछ और हूँ? शिट, इस वक्त उनके पेट में पंच भी नहीं मार सकता हूँ। भगवान, ये मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है? अरे भगवान, गॉड प्लीज हेल्प मी। अरे हो गया, अब तो जा। सर आई गॉट इट सर, आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं। सब हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? नो क्या? नो सर सर सर, ओपन द डोर सर। क्या है? आप बिना हेलमेट के ही शुरू हो गए सर, इसे यूज कीजिए वरना दुर्घटना घट जाएगी सर। मैम एक मिनट रुक सकती हैं आप? डैम सर, वो मैं उसके पास एक था, अब डिस्टर्ब मत करना। जा।
इन्हें डिस्टर्ब मत करना। बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, आधी रात को तुम्हारे लिए परेशान हूँ। ओके ओके ओके। नो नो नो, इट वाज देयर। सो आई रियली हैड अ गुड टाइम। ओह या, मैं तुमसे पूछने वाली थी, ये टैटू? एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता था, प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है। हॉट एंड इमोशनल, आई लाइक दैट, यू द बेस्ट आई हैव एवर हैड। क्या हम दोबारा मिलेंगे? मैं समझ गई, शायद नहीं। आई थिंक इट्स बेस्ट दिस वे। ए किशोर, एक काम करो, उसे घर छोड़ दे, बहुत देर हो चुकी है। मैं जाऊं सर उसे छोड़ने के लिए? हाँ जाना यार। ठीक है, दो दिन के बाद आऊंगा। मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है, छोटी सी कहानी, उनकी लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है, उनका फर्स्ट क्रश रोमा, नहीं नहीं पूमा, शिशिशी सुमा। भैया मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। यस। तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं, सुमा। चलो जो भी हो, करती क्या हो तुम? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ, न्यूरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है। तुम एक सर्जन हो, तो फिर क्या तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रख पाओगी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? उमा तुम्हें कपड़े धोने तो आते हैं ना? उमा नहीं, सुमा। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े धोना, और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है। हाँ मतलब तो क्या तुम हमारे सैम का इस्तेमाल कर रही हो? सुमा सुमा प्लीज मत जाओ, रुको रुको रुको, मत जाओ प्लीज सुमा। SUMA सुमा, उमा नहीं, उपमा नहीं, मैं उनसे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है भूमा। सॉरी सुमा सुमा। तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा, मेरी तरफदारी क्यों? तुम बस उन्हीं की तरफ थे। ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। ऐसा मत करो सुमा। सुमा तुम लोग इंसान हो या राक्षस, वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तू चुप हो जा, जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा? तू चुप कर संगीता, मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती हैं? औरत ही औरत की दुश्मन है, ना कि आदमी। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या कभी साफ सफाई की है? क्या कभी कपड़े धोए हैं? जिससे तू शादी करेगा उसे ये आना चाहिए ना, वरना तुम्हारा घर कूड़े का ढेर हो जाएगा। ऐसे उपदेश देना बंद करो। मैं किसी को रख लूंगा। पोर्चुगल में ये इतना आसान नहीं है, यहाँ कोई काम से खाली नहीं रहता। तो मैं खुद करूंगा, मैं खुद करना सीख लूंगा। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया श्वेता, तुझे इन राक्षसों के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तू मेरे साथ आ जा। ए, खाना तो खा ले। तू खा। तो ये है मेरे बॉस की फैमिली, ये है स्वर्णा द बैड कॉप, ये हर चीजों में टांग अड़ाती है, ये है संगीता द गुड कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मुंह फट, लेकिन ये दोनों ही जालिम है, और ये है श्वेता मेरे बॉस की लाडली। बॉस के दादाजी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी, वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक हैं, उनकी माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, कभी बैड कॉप बन जाती हैं और कभी गुड कॉप बन जाती हैं। सुमा, उस दिन मेरे बॉस बहुत ज्यादा दुखी थे, वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमिस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। Hmm.
और उस दिन बॉस ने अपने द ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो परफ्यूम बनाने लगे। समा 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 पुत्रा गिव मी अ लार्ज वन प्लीज। हेलो सैम। और ये है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। हाय आई एम इजाबेला। हाँ रुकिए 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 रुकिए, मैं आपके लिए लैंग्वेज को बदल देता हूँ। हेलो सैम, तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम है इजाबेला, मैं श्रुति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो चलो। Isabella, Sam, Budra, तो ये थी मेरे बॉस की कॉफी, समझ गए ना? ज्यादा मत सोचिए, इनका नाम सैम है। सैम I love you. Oh, no, 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 no. I like you. I like you. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. Just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. She's not fat. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, doctor. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me. An innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, who are you? Why don't you mind your business? Just go. Okay. Listen, shut up. If you're abused in Hindi, at least I can understand. Are you leaving or you want me to help you? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. Talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give her more. Come on, more, more. Yeah, why me? I'm telling you. Okay. Hey, did you look at him? Look at him, look at him. Hey, we've got her, bro. Hey. Did you see that? But she's his. Man. His, yeah. Understood? Yeah. Go find someone else for yourself. अबे देख के चलना गोरे। Go go talk to her. Come on, go talk to her. Hey beautiful, should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay, okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था शी इज माइन। गो 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 गो। सच अ डेंजरस बेब, आई लव यू मोर, गिव मी मोर। डॉक्टर ने क्या कहा माँ? कुछ नया नहीं, वही ब्लड प्रेशर ज्यादा है, शुगर पर कंट्रोल करना होगा और क्या। आप कभी साफ साफ नहीं बताती। ये डॉक्टर मुझे दवाई देना बंद कब करेंगे, जबकि मैं जानती हूँ मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। माँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, अब और ज्यादा नहीं देखना चाहती। आप उसके बारे में इतना क्यों सोचती हैं?
वो नालायक है। उसे नहीं पता जिंदगी में चीजों को कैसे संजो कर रखा जाता है। मैं जानती हूँ उसे मेरी बिल्कुल भी कद्र नहीं है। आप देख लीजिए कमा, एक दिन जरूर होगी। इसी बात का तो डर है, कहीं उसके जाने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं, तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी। माँ, जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ, मैं चैन से मर पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी होगी, जल्दी ही करनी होगी। किशोर सर, जरा जल्दी आ, नहीं तो देर हो जाएगी। आ रहा हूँ सर। हे, जल्दी करना यार, लेट हो रहा है। माँ, हर संडे हम लौकी क्यों खाते हैं? मेरा मतलब, हम कुछ नया बना सकते हैं ना? मैं बना दूंगा करी, आलू का भरता। मैं शादी से पहले इंडिया में खाना बनाया करता था माँ। ऐसी बात नहीं है, सदा शिवाराव को लौकी बहुत पसंद थी, इसलिए हर संडे को खाने में मैं लौकी बनाया करती हूँ, ये परंपरा है। पर अब तो वो यहाँ है ही नहीं ना। क्या मतलब? जब तक सदाशिवराव वास्तव में नहीं मर जाते, ये परंपरा इसी तरह चलती रहेगी। तुम क्या जरा इन्हें वहां रख दोगे? क्या तुमने लौकी बना ली? ये वास्तव में मरना क्या होता है? हाय मामा, बेबी। चलो अंदर जाओ। हेलो मैम। चलो अंदर। मैम सर, ये आपके लिए आइसक्रीम लाए थे। क्यों रे, तो इस भुक्कड़ को हर संडे यहाँ क्यों लेकर आता है? क्या तुझे नहीं पता ये फैमिली लंच है? हाँ, मैं भी सर से यही कह रहा था, सॉरी मैं चलता हूँ। रुक, किशोर यहीं रहेगा। और सुन ले, मैं इसको हर संडे लाऊंगा, कोई प्रॉब्लम है? तेरा पति भी तो यहीं रहता है। क्या मतलब, तुम दोनों उसे क्या समझते हो? नहीं, 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तेरे साथ तेरे घर पर ही रहता है और तू हर संडे इसे यहाँ लेकर आता है। आखिर तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है? ये क्या बोल रहे हो? बहुत सही बात बोलो ना। एक्चुअली मैं एक बात बोलूं, बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस पॉइंटिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस, यू आर ड्रॉइंग टुवर्ड्स अ कंक्लूजन वेयर ऑनेस्टली देयर इज नो रियलिटी। बट प्लीज बिलीव मी मैडम, व्हेन आई से द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑफ अस इज प्योरली प्रोफेशनल, द इमोशनल लिंक्स टुवर्ड्स ईच अदर इज फ्रेंडली नेचर, इनफैक्ट ब्रदरली। इट माइट बी जस्ट रूमर्स इन अदर्स माइंड, बट इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माय पेरेंट्स हु इज लुकिंग फॉर अ मैच फॉर मी ऑन इंडियन मैट्रिमोनियल साइट्स। सो व्हेन आई से आई बेग यू, आई मीन फ्रॉम माय हार्ट, प्लीज मैम, आई बेग यू, प्लीज मैम। हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, स्कूल में भी नहीं आती थी। ब्लडी साइकोपैथ फैमिली। किशोर क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर। सॉल्ट चाहिए तुम्हें? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तो ये दे रहा हूं। अच्छा तुमने सॉल्ट बोला? इनकी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए सर। संगीता, सैलेड देना। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। देखो, एक माँ होने के नाते मेरे कुछ फर्ज हैं जो मुझे पूरे करने हैं, और बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम मेरी बात मानो। तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा? तुम्हें आने वाले दिनों में जल्दी ही शादी करनी होगी। आपको शादी करनी होगी सर? इस उम्र में मुरझाए पौधे को पानी देना बेकार है सर। कोई फायदा नहीं। आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती मां, बल्कि किसी भी मां बाप को दबाव नहीं डालना चाहिए। आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्म दूं या नहीं दूं? मुझे बड़ा करना ही एक मां होने के नाते आपका फर्ज था। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब से पैदा हुए तब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे। उसके बाद हमारे बच्चों का भी यही होगा, स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे। यस सर, ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता और ना ही कभी करूंगा। मेरी जिंदगी अब मेरी जिम्मेदारी है। ओह,
खुद की जिंदगी क्या संभालेगा? बाल तक तो नहीं बना बता। और तुझे याद है तू ये कहकर गया था कि तू किसी भी तरह अपना ख्याल खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ? तेरी जगह साफ सफाई करने के लिए हमें हफ्ते में 3 बार वहाँ जाना पड़ता था और तुझे तो वॉशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है। जब से तू पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर ही तो है। काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई। कोई बात नहीं बहन, अब से अपने काम मैं खुद करूंगा, लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूंगा। ये तो तू पिछले 20 सालों से कह रहा है, तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए, इसलिए ये सब झेल रहा है। और हमने हार मान ली क्योंकि तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकते। हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परेशानी आखिर झेलेगा कैसे, इसलिए कहते हैं शादी कर ले। लेकिन अब नहीं होगा। हाँ, आपको शादी करनी होगी बस। हाँ, तू भी? क्यों नहीं भैया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ। आपके बच्चों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्या? बस करो, इसे अपने घर की परंपरा के हिसाब से करते हैं। वोटिंग होगी। अब यही बाकी रह गया था। पोर्तुगीज है क्या? हिंदी है। कौन सी जगह? अब सैम की 3 महीने के अंदर शादी होकर ही रहेगी। जो नहीं चाहता हाथ ऊपर करे। जो चाहता है शादी हो वो हाथ ऊपर करे। हो गया फैसला, अब अगले 3 महीने में सैम की शादी हो जानी चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये तो हिंदी था, नहीं तो क्या पोर्चुगीज? जीसस। खाना नहीं छोड़ना चाहिए सर। ओके, कमिंग। माँ, वो तो चला गया, अब क्या करेंगे? उसने तो बात भी नहीं सुनी हमारी। चिंता मत करो, मैं जानती हूँ उसे कैसे समझाना है। मैं सब कर लूंगी। हाय, एक्सक्यूज मी, आई एम हियर टू सी माय नेफ्यू सिद्धार्थ। ही इज इन देयर। ओके, थैंक यू सो मच। सिद्धू, तुम ठीक हो? मुझे अपने साथ कब लेकर जाओगे? जल्दी ले जाऊंगी। हेलो जननी। हे अवंतिका, आर यू बिजी? नो, कम इन। मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूव हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है। तुम बुरा मत मानना लेकिन शायद अप्रूव भी नहीं होगी। तुम अकेली रहती हो, तुम्हें स्मोकिंग की हैबिट है, स्टडी जॉब भी नहीं है, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं अपनी पोएम्स पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी। अगर नहीं हुई तो? वो मेरी बहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना, उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है? अवंतिका, ये इंडिया नहीं है, यहाँ माँ बाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और तुम्हें अप्रूवल लेना ही होगा, भले ही उससे खून का रिश्ता क्यों ना हो। मैं कुछ नहीं कर सकती। अडॉप्ट तो मैं करके रहूंगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही। बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जल्दी हो जाएगा। क्या ये तुम हो? Hi, it's me, Latika. कल रात हमने फेसबुक पर चैटिंग की थी। मेरा फेसबुक पर अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से। नो, वो आप ही थे। आपने कहा था कि 3 महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लशिंग वाला इमोजी भेजा था, आपको याद नहीं? लतिका, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हनीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाहो तो। ये क्या कह रहे हो,
जो तुमने सुना। गो टू हेल। कोई बात नहीं। बाय। देखो इसको, बदतमीज। इतनी अच्छी लड़की थी और इसने ऐसा किया, इसे तो मैं अभी। अरे दीदी क्या कर रही हो, मार डालो। सच कह रही, मेरी बॉस की बहनें ऐसे मानने वाली नहीं थी। कैसेंड्रा की सारी इंडियन लड़कियां उन्होंने बॉस के पास भेज दी। टोटल 21 लड़कियां भेजी थी इसके पास। सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने। हम तुझसे तंग आ चुके हैं। पता नहीं तू कब आएगा। कौन सी टाइप की लड़की चाहिए तुझे? जब तक इसकी ये बड़ बड़ खत्म होगी कैसे निकले? सुनता है कि नहीं? मैं लेकिन मैंने क्या कह रही हूँ? अब पेन से क्यों मार रहा? अब आप ही बात करो इससे। पेन टूट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा है? अब मैंने क्या किया सर? चिंता मत कर, चिंता मत कर। ओके सर। माँ जी भी गई। उन्होंने गलत गिना। हाँ सर, 24 लड़कियां और एक औरत थी। 25 लड़कियां। लगता है मेरा स्वयंवर करवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप इतने हैंडसम दिखते हो, लड़कियां आप पर मरती हैं। मतलब कि उनका पर्सपेक्टिव है और आपके पर्सपेक्टिव से तो इरिस्पेक्टिव हो जाएगा ना, इसीलिए पर्सपेक्टिव तो। सर माँ जी आ रही है। माँ ये क्या कर रही हो? माँ छोड़ो इसे, लाओ मुझे दो। आप बैठो। तो मैं और क्या कर सकती हूँ? आप पहले बैठो। तू भी बैठ, बैठ जा, बैठ ना। हाँ लो बैठ गया। तू भी बैठ। तूने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्ज था, लेकिन तू मेरा बेटा है, मुझे हर वक्त तेरी चिंता लगी रहती है। तेरी बहनें कब तक रहेंगी? माँ मेरा यकीन करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तेरे बस का बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। देख, हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए, यहाँ तक कि वो क्या कहते हैं आजकल, तुम्हारी वर्जिन। तू अभी भी वर्जिन है बेटा। माँ जानती थी। माँ, जीवन में मन की शांति ही सबसे बढ़कर है। और तन की शांति का क्या? बिना हेजिटेशन के अपनी खुद की माँ से इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल लेते हो बॉस? इट टेक्स गट्स बॉस। क्या आपने मेरी किशोर, क्या हुआ? किशोर क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है कि चींटी ने काट लिया बहुत जोर से। कहाँ? Place is not important, pain is important। बेटा तू देख ना जरा, देख। किशोर दिखा ना। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मैं ठीक हूँ। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ बेचारा, अब क्या करेगा ये। देख सैम, ये बस शादी ही नहीं, जिंदगी में इसके बहुत मायने हैं। तुम लोगों के साथ मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन जब अकेले में जाती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तेरे पापा को याद करके। सैम, अकेलापन क्या होता है ये तुझे नहीं पता। अकेले रहना भले ही तुझे अच्छा लगता हो, लेकिन धीरे धीरे ये अकेलेपन में बदल जाता है। समझने की कोशिश कर, तू क्या करेगा जब मैं चली जाऊंगी, क्या ये सह पाएगा? अगर तू मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तू अकेला है। माँ, माँ ऐसा मत बोलो। माँ माँ, क्या हुआ बॉस? मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता है, उसे डर है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, और इसीलिए वो मेरी शादी करना चाहती है, जबकि मैं नहीं करना चाहता। करेक्ट बॉस, हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है
जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे। मैं माँ को खुश देखना चाहता हूं लेकिन शादी नहीं करना चाहता। उन्हें भी समझना चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए, कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक से आ जाते हैं और जब उनके आने का एहसास होता है तो जिंदगी बदल जाती है। नहीं 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 प्लीज मत आना, वरना मैं खो जाऊंगी। प्लीज नहीं, प्लीज डोंट। लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। I'm sorry. ऐसा मत करो। हे, गाड़ी रोक। बॉस, गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा। प्लीज, प्लीज। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे, लड़की, रुक जाओ। क्या कर रही हो? हे! छोड़ो मुझे। पकड़ो, 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 पकड़ो उसे। छोड़ो। मारू क्या? हे, शांत, शांत। सॉरी, I'm sorry. आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया। लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। I'm sorry पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी बात आर्किटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो। तुम मरने जा रही थी, तुम मेरी जान हो। I'm sorry पापा। देखो, तुम्हारी माँ का फोन है। सुनो, ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई? क्या है रे? कौन है बेटू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं, और तूने बैंड बजा दी। चल हट। ओके ओके। चल चल। थैंक यू। ओके। एक्टिंग? इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है बॉस। अच्छी एक्टर बनेगी, पहले से ही एक्ट्रेस है। हेलो सर, इसका ध्यान रखना, कहीं फिर से ना कूद जाए। चलो चलते हैं सर। किशोर। हाँ बॉस। उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया। क्या बॉस? कहीं बैठकर कॉफी पीते हैं। चल चलते हैं। ठीक है चलते हैं। लेकिन कसांड्रा नहीं जाएंगे, मैं यहाँ की लड़की से नहीं मिलना चाहता, कहीं दूर ले चल। कहीं दूर? बॉस मुझे एक जगह पता है, वहाँ लेकर चलता हूँ, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस। हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगी और मेरी फैमिली को इम्प्रेस करेगी। मैं वहाँ की एक वेटरेस को जानता हूँ सर, बहुत सुंदर है वो। फिर तो मेरी फैमिली शादी का मुहूर्त फिक्स करके ही मानेगी। मैं वहाँ महीने में 3 बार जाता हूँ, सिर्फ उसे जी भर के निहारने के लिए सर। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप उसे पटा ही लोगे। शादी के कुछ दिनों पहले? नहीं नहीं नहीं, शादी के ही दिन। समझ गया। पहले से सेट होगा। वो लड़की एक लेटर लिखेगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, और फिर वो गायब हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, अब मेरी उससे शादी करवा दो। और उसके गायब होने के बाद मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूंगा कि मेरी फैमिली दोबारा शादी करने के लिए नहीं कहेगी। मुझे आपका स्टाइल पसंद आया, अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आज ही मैं उस लड़की को प्रपोज कर दूंगा। अद्भुत, प्रशंसनीय, यहाँ तक कि महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कभी इतना जबरदस्त नहीं सोचा। यस सर, आपका कॉन्फिडेंस देखकर तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया है सर। मैं भी अब सिंघम बनना चाहता हूँ सर। ध्यान दे, ध्यान दे। हाँ सर, हाँ सर। ओ माय गॉड सर, पहले ही काम पर लग गए। वन एस्प्रेसो डिस्पोजेबल ग्लास में। नो कॉफी, शुड आई गेट यू समथिंग एल्स? हाँ। ए किशोर। बॉस। ए किशोर, मुझे यहाँ क्यों लाया? मुझे कॉफी चाहिए थी। यू वांट टू सिट? नो, आई विल सिट। ओके। आपके फ्रेंड तो यहाँ पर अक्सर आते हैं।
आपको तो पता है ना, यहाँ कॉफी नहीं मिलती। तुम इंडियन हो क्या? ए किशोर, तुम इंडियन हो? तो प्रॉब्लम क्या है? इंडियन लड़की फर्स्ट टाइम देखी है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अवंतिका। अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूँ? प्रस्ताव? प्रपोजल? हाँ, रखो 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 सर, रखो रखो सर, रखो रखो सर। जो मांगोगी वो मिलेगा। सिर्फ दो हफ्ते के लिए मेरी प्रेमिका बनना होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे गलत मत समझो, मैं उस तरह का नहीं हूं। बताना किशोर। यस मैम, ही इज अ परफेक्ट जेंटलमैन। इनफैक्ट ही इज अ कोल्ड ब्लडेड वर्जिन। हम कहीं और चले, खुलकर बात करते हैं। बॉस, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। दो हफ्तों के लिए आपकी गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपकी फैमिली को इम्प्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा। ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, सही है। मैं घर में भी किसी बाहर वाले को नहीं आने देता, तो फिर अपनी लाइफ में किसी और को कैसे आने दे सकता हूँ? इम्पॉसिबल। Never fallen in love? I don't fall in love. I only make love. अगर किसी को भूख लगे तो जरूरी नहीं कि वो खाना बनाए। पर इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम की बात करो। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? By the way, what do you think I am? A hooker? अगर हुकर चाहिए होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। Okay. अगर मैं हाँ कहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तुम ही बोल दो। दो हफ्ते मतलब 14 दिन और रोज के 2 घंटे, so 28 × 5,000 euros per hour, 140,000 euros. euros बैट, क्या कहा? 1,35,00,000 रुपए? सर इतने पैसे मुझे दे दो, ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाऊंगा। I'll put some red hair also for you. पूरे 15,000 euro दूंगा, अगर ठीक लगे तो बता देना, नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा। 30,000 euros. मंजूर नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी, किशोर की जरूरत नहीं है मुझे। 20,000. 25 फाइनल। ड्रॉप कर दूं मैं? मैं ये कर देती हूँ, लाओ। पता नहीं इमली कहाँ रखी है। एक अच्छी खबर सुनानी है। 2 साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ। तूने अब तक ये बताया क्यों नहीं? अब जरूर इसे बताया होगा। तूने क्यों नहीं बताया? क्या भैया, आपने मुझे भी नहीं बताया ना? मैं तुझे क्यों बताता, तू भी तो मेरे खिलाफ थी। मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया क्योंकि तुम शादी के लिए जिद करते और हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन अब बता रहा हूँ। इसका मतलब ए, 2 साल तक बताया क्यों नहीं? लड़की है या फिर वो किशोरी है? चुप करना सुनना। वो कैसी दिखती है भाई? वो इंडियन तो है ना? बताओ ना, बताओ कैसी दिखती है? बताना, बताओ ना भैया। भैया वो तो सही कहती है ना, उसे क्या पसंद है? खाना तो बना लेती है, साफ सफाई करना जानती है कि नहीं? वॉशिंग मशीन चला लेती है। बता दे मेरा प्यारा बच्चा। ये अवंतिका, अवंतिका यहाँ ना, यहाँ आओ। हाय, जल्दी आओ, जल्दी आओ। What's up? ये लो प्रपोजल। क्या बात है, आप इसके लिए सच में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? यू रियली वेयर्ड, यू नो दैट राइट? ओके, This is to hereby place on record that I, Samba Shiva Rao. Wait a minute, Sam kaha tha na? Aapka naam Sam nahi, Samba Shiva Rao hai. Jab main paida hua, tab Samba Shiva naam bahut chalan mein tha. Ab ise padho aur sign karo. Sorry. Okay, Samba Shiva Rao ji. Okay. Ek minute.
फर्स्ट मीटिंग में फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो पैसे नहीं देंगे? व्हाट नॉनसेंस। एहसान मानो कि मैं उनसे मिल रही हूँ। प्लान आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अगर ये प्लान फेल हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी फैमिली से मिलने से पहले मुझे 40% नॉन रिफंडेबल एडवांस चाहिए। 2 हफ्तों में प्लान काम करे या ना करे, मुझे बाकी के पैसे दे देना। ओके ठीक, मैं पहले एडवांस दूंगा। अगर तुम रिजेक्ट हो गई तो बचा हुआ 60% मैं नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारा ये सौदा कैंसिल। कैंसिल? बार्गेनिंग डिस्कशन नहीं हो पाएगी। क्या है कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है। 1928 बैच के हो? हाँ। ये 1928 बैच वालों की हिंदी तो बहुत प्यारी होती है ना? खाक प्यारी होती है। मुझे तो इन लोगों की हिंदी डरावनी लगती है। तुम्हें ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होंगे। मेरी फैमिली थोड़ी क्या बोलते हैं वो, कंजर्वेटिव टाइप। क्यों, आप खाना खाने के लिए धोती पहनते हो? अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। आपकी फैमिली को कैसे इंप्रेस करना है मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। ठीक, तुम्हारी मर्जी। एक मिनट, शी इज कॉलिंग। बाय सांबू। हे एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं आ सकती, आपको बाहर वेट करना पड़ेगा। क्या देख रहे हो? यू लाइक मी नो? वेरी मच, आई लाइक यू। अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। सोचेंगी, सोचना जरूर सोचना। आउट हाउस में वेट करना था, अंदर क्यों आ गई? अच्छी लग रही हो। यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। दिस इज जस्ट मी मेकिंग श्योर योर फैमिली लाइक्स मी। बालों को कलर करके सही किया है, अच्छा है। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। इसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल करवा लूं? ठीक है, भर दूंगा। ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हैं वो, क्लासी। ग्रेट, इसके भी पैसे आपको देने हैं। ओके सर, डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे रफी साहब के गाने पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ पसंद है। व्हाट? सचिन से ज्यादा द्रविड़ पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बीटल्स भी पसंद है। बीटल्स? ऑफ कोर्स, आपके जमाने का फेमस बैंड है। अच्छा, आप परफ्यूम बनाते हैं ना? फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर सच कहूं तो चंदन की, और अमेज़न में मिलने वाला वो एक। अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो बहुत रोमांटिकली बोलना, मेरी फ्रेग्रेंस आपको पसंद है, समझे? इंटेलिजेंट हो। वो तो मैं हूँ। अब आप मेरे बारे में जान लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। अगर वो कुछ पूछेंगे, जो मन में आएगा बता दूंगा, तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना, समझी? जो हुकुम मेरे आका। अपनी ड्राइंग दिखाओ, दिखाओ ना मुझे। बात होने के बाद ऐसा करते हो स्कूल में? उसे सारे मसाले पता होने चाहिए बस। माँ, बाकी दही दूध। सैम, आओ बेटा, आओ आओ ना। अवंतिका, ये मेरी। एक मिनट, मैं बताती हूँ। आप संगीता जी हैं? आप फैमिली बिजनेस का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखती हैं? आप हैं संगीता जी के हस्बैंड?
और आप है श्वेता, नहीं आप है स्वर्णा, और आप है स्वर्णा जी के हस्बैंड, एंड यू मस्ट बी सैम्स डार्लिंग सिस्टर श्वेता, और आप है श्वेता के हस्बैंड। इंट्रोडक्शन तो अच्छा था, पर ये सब कैसे जानती हो तुम? सांबा शिवराव जी, आज की जनरेशन के पास फेसबुक नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है ना, सच में मुझे नहीं लगा था सैम को ऐसी लड़की मिलेगी। अवंतिका, यहाँ आओ अवंतिका। माँ माँ, क्या? That's your mother? Are you kidding me? I'm so sorry auntie, I'm so sorry. नहीं बेटा, आप इतनी यंग लग रही हो, मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। आंटी ऐसा नहीं है, बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है। ये पहली बार घर आई है, इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी, है ना? ये मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फालतू ड्रामा करने की क्या जरूरत, बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं। अच्छा है मैंने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने। तुम क्या करती हो बेटी? आंटी मैं वैसे तो वेट्रेस का काम करती हूँ, बट आई एम अ पोएट, अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कविता लिखती है ना? इतनी एज डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चलो भाई की पसंद तो सुधर गई। तुम्हारे घर वालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच उम्र का काफी गैप है। मेरे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, मैंने लगभग 8-9 सालों से उनसे बात नहीं की। ओह, तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा नहीं है, उनके लिए तो मैं एक परेशानी हूँ। इसलिए जब मैं आपकी फैमिली को देखती हूँ तो एक बात बताऊं, पहले मुझे कन्फ्यूजन था सैम को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे। मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं, मुझे लगता है इस बारे में इससे बात करनी चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग बहुत स्वीट हो। I had such a lovely time. So? शादी का मुहूर्त निकलवाने की सोच रहे होंगे? Good. By the way, 2 hours 10 minutes हो गए हैं, तो 3rd hour का चार्ज लगेगा। कितनी अच्छी थी। क्यों? कैसी लगी सबको? दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, 6 महीने तक वापस नहीं आएगी, तो इसका मतलब समझे तुम दो हफ्तों में शादी करने वाले हो। सामू, अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ये चेसबोर्ड वाली शर्ट ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन माँ तुमसे मिलना चाहती है, पता नहीं क्यों। क्रेडिट कार्ड दो। माँ क्या बात है, आओ तुम रहे। हाय भैया। हाय। हाय आंटी। हाय अजी, नमस्कार। ये क्यों? तुम्हें शादी में कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना, इसीलिए।
शादी के लिए ट्रेडिशनल कपड़े। हाँ? तो तू क्या सूट पहनने वाला है? आइए। स्लीव्स कितने रखूं मैं यहाँ तक? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ी सी लंबी रखे, थोड़ी सी लंबी। स्वर्णा, वो एक दर्जी है, उसे पता है। अरे नहीं, मैं बताऊंगी ना, फर्क पड़ता है उससे। थोड़ा ऊपर कीजिए। बहुत बुरी स्मेल, ये कैसी स्मेल है? मैंने कुछ नहीं किया। घर में है क्या? नहीं नहीं, कहीं और से आ रही है। किशोर, तुम ही हो ना? हाँ सर, बॉस के मामा। बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। आई एम किशोर, मैं सैम सर का पीए हूँ। पीए हो या सीए हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सामान कौन उठाएगा सर? क्या पता सर, आपका ये सामान सर मुझे उठाना पड़ेगा। ये स्मेल कैसी है? मस्त है ना? गुलाब की सुगंध है, काफी तेज है, लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे। मत लगाओ, मेरे बॉस की नाक कुत्ते से भी तेज है। सूंघ के देखो ना। अरे ये बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे बैठो ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? कार फ्रेशनर है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। कितनी गंदी बदबू है। छह छह घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं। वैसे सैम का धंधा कैसा चल रहा है? यहाँ पर मक्खियाँ तो नहीं मार रहा? आप सैम के धंधे में क्यों घुस रहे हो सर? क्या कहा? सैम ने तुझे बताया नहीं? नहीं। इत्र बनाने में मैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हूँ। उसके सूंघने की ताकत उसे अपनी माँ से मिली है। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है। मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कम चाय है। पता है, तेरे आज के इन बेहुदा परफ्यूम की वजह से ही हमारा धंधा एकदम ठप पड़ चुका है। ऐसी क्या खास बात है इनमें? है? एक घंटे भी ये माल नहीं टिकता। और डींगे बहुत बड़ी बड़ी हांकते हैं। ये रहा असली परफ्यूम, थोड़ा सा लगाओ, किलोमीटर तक महकते रहो। तुम्हारे बॉस को तो अब इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब शादी करने से कोई फायदा नहीं। सोना जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है। अरे भाई सैम, अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर देखने की है। ये लड़की कौन है? इसका नाम अवंतिका है। ये सैम की मंगेतर है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, शादी करने के लिए यही मिला था? तुम्हारी कास्ट? ब्रॉडकास्ट। बाबा आलम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट में अटके हुए हो। तुमने तो अभी जवानी में कदम रखा है, ये बताओ क्या सच में तुम्हें इससे प्यार है? सर सर सर, आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताइए। बोलिए सर, आई विल ट्रांसलेट। आपको इनका इत्र चाहिए। समझ गया समझ गया। मुझे फख्र है तुम अब भी जमीन से जुड़े हो। क्या हुआ? अच्छा, इनके इत्र पे आपका दिल आ गया है। वेरी गुड सर। क्या हुआ सर? मारो मत सर, मारो मत। किशोर मुझे क्या कह रहा है तो समझ नहीं रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्या बात है। डॉक्टर बस पहुंच ही रहेंगे, आप घबराइए मत सर। तुम मेरे साथ चलो। कम 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 कम, कहाँ लेकर जा रही हो आप? इसे खुली हवा की जरूरत है, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। चलिए माँ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक तो जंगल में आग, ऊपर से आस्तीन में सांप। कैसी बातें कर रहा है, इस घर में सांप कहां से आ गया? अपना चेहरा आईने में देखो, समझ जाओगे। एक बात बताओ। हाँ। अभी वो लड़की तो 30 की भी नहीं है, फिर वो सैम से शादी क्यों कर रही है? लगता है माल देखकर फिसल गई। ए, बकवास बंद कर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये क्या, जाकर जल्दी तैयार हो जा, बहुत काम पड़े हैं। स्वर्णा, बच्चे कहां है? मजा आएगा इस घर में। शुरुआत तो काफी स्टाइलिश है। बैग उठाओ।
ये स्टाइलिश था? अगर ये स्टाइलिश था तो फिर बकवास किसे कहते हैं? मैंने आपको कहीं देखा है? ओ, 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 ओ। कहाँ दिखा है? इस काउंटर का मैंने पूरे 17 साल इंतजार किया है, 17 long years. ये मान गया, बहुत अच्छी बात है। अब ठंडक हुई है, सच में। किशोर, बॉस, हमारे प्लान के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है ना? सब वैसा ही हो रहा है बॉस, आसमान थोड़ा ज्यादा ही नीला लग रहा है। उस डिलीवरी वाले का क्या हुआ? ऑन टाइम है। कोई रुकावट तो नहीं? नहीं, कोई रुकावट नहीं। बॉस, इस लुक में आप आज बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बॉस। ये तो रख, मुझे नहीं चाहिए। ओम गणपते नमः। बेटा ये चश्मा उतार दो। हाँ, ये हमारी प्रथा में नहीं है बेटा। ओम भूर भुवः स्वः। मेरे साथ मंत्र दोहराओ। मंत्र? ठीक है, आप चालू रखिए। हाँ ठीक है। कहाँ हो तुम? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? यहाँ आओ ना। मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है संगीता दीदी? यहाँ बोलो तो। भैया को देखो, यकीन नहीं हो रहा ना कि भैया की शादी हो रही है। आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा तुमने, कहीं मेरी नजर लग जाए। अच्छा लग रहा है। ए, हमने इसकी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई थी ना, उस पे ये वाला फोटो डाल दिया। भाई इसे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भैया, उठो ना। हां बस यहां देखो, स्माइल किया, स्माइल किया, सामने देखो, स्माइल करो ना। हां बहुत अच्छी। अरे कोई और पोज हो गया, वन बहुत अच्छी है। भाई से बहुत अच्छी लग रही है ना। हां अच्छी फोटो आई है। चलो चलो जल्दी चलो। फाइनली गेटिंग मैरिड टुडे। But I would have married you. We had such a great night, remember? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती सैम। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे ही शादी करूंगी। इतनी देर क्यों करती आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? सॉरी सर, लूज मोशंस। सब कुछ याद है ना? बिल्कुल सर। बोलो जरा। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। तेज से बोला, जल्दी जा, जाके बोल, लाउड बोला, लाउड। ओके सर। अब होगा एक्शन, चिल्ला चिल्ला, जोर से चिल्ला। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। अरे भाई कौन हो तुम, कौन हो? बोल बोल, फिर से बोल। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। सैम शिवराव के लिए? मैं हूँ सैम शिवराव। अरे ये तो मेरे बॉस है, आज उन्हीं की शादी है। सर आपके लिए कुरियर आया है। सर देखिए सर, चल तो निकल ले यहाँ से। बॉस इस वक्त आया मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा। हा? मुझे तो जल्दी। पता नहीं किसने भेजा है बॉस, चलिए जरा खोल कर देखते हैं। बॉस किसका है? बॉस अवंतिका। अवंतिका? शादी से पहले लव लेटर, व्हाट अ रोमांटिक थॉट सर। बॉस मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ सर। अगर लव लेटर है तो सबको सुनाइए ना, पढ़कर सबको सुनाइए बॉस। मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम, क्या बात है, मेरे प्रियतम, फीलिंग। मैं तुमसे आगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मेरा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारे इंसल्ट करना था। ये भी लिखा है सर। वो मेरी किस्मत पर आज रही। कैसा झटका है सर। डिप्रेशन में आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूँ। भगवान, 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 ये क्या लिखा इसने? अवंतिका, अवंतिका मैडम, वेयर आर यू? रोइए सर, और जोर से रोइए। हे भगवान, अवंतिका तुमने ये क्या कर दिया? अब बॉस से शादी कौन करेगा?
बॉस को टुकड़ों का पहाड़ टूट पड़ा है। मना करना था तो पहले मना कर देती है। ये क्या कर रहा है? अवंतिका, मैंने तुमसे प्यार किया, प्यार करना कोई गुनाह है क्या? मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। आपने कोई गुनाह नहीं किया। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। कभी मत करना बॉस। मैं हमेशा कहता था शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। इस लाइन को बहुत जोर से बोलिए फिर से। भाई अब देखिए क्या हो गया। ये तो घोर अन्याय है बॉस। उसने मेरे बॉस को धोखा दिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की गंध तो जरूर है। बस करिए बॉस, यहाँ सब चाहते हैं कि मैं खून के आंसू रोऊं। मुझे प्रेम के जाल में, मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फंसाया अवंतिका ने। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर गया। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? फूल का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। ये तूने क्या किया शैतान? तूने आज का भरोसा तोड़ा है। क्यों मार रहे मुझे? क्यों मार रहे? क्यों मार रहे मुझे? अरे संगीता रोको ना। ये कैसे कर सकता है? सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। तुझे मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे क्यों मार रही हो? और आप सब मुझे क्यों मार रही हो? हमने फेसबुक पर तेरी कटुनी देख ली। अरे किशोर, मैडम मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। प्लीज गो अहेड मैडम, लेट मी नो इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। ये क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया? क्या हुआ? डॉक्टर जल्दी करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। Is she going to be fine? Don't worry, she's under observation. We'll take care of it. क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें गहरा सदमा लगा है, कोमा में जाते जाते बची है, पर इस सदमे की वजह से उन्हें साइकोसोमेटिक अटैक आया है। मतलब ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी थोड़ी सी सीरियस है। क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए चलो चलो। माँ माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो अवंतिका को लेकर आओ। मुझे कुछ नहीं पता, आसमान से पाताल से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे, लेकिन लेकर आओ। मुझे माँ को सही सलामत देखना है और कुछ नहीं। जाओ और उसे लेकर आओ, उसे बिना लिए मत आना। अर्जेंटली क्यों बुलाया? और तुम्हारी शादी कैसी रही? माँ हॉस्पिटल में है। ओह नो, इज शी ओके? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या करना है? वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है। मेरे पास एक नया प्लान है, हम इस प्लान का दूसरा एग्रीमेंट बना लेंगे। तुम्हारी माँ कोमा में है और तुम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आयो? यू आर सच अ, यू नो व्हाट, राइट? वो कोमा में नहीं है, बस साइकोसोमेटिक अटैक है। मैं ये सब माँ की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। अवंतिका, अवंतिका बात सुनो। अरे सुनो तो। ओहो, ये धोती भी। अरे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ए, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? इस बात का डर तुम्हें है, मुझे नहीं। इस उम्र में ये बातें शोभा नहीं देती। अच्छा, वैसे भी तुम मेरे टाइप की हो भी नहीं। सच में मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ?
बोलो बोलो। मुझे वो हरी भरी लड़कियां पसंद है। और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना। मुझे क्या पता, तुम वैसे दिखती थोड़ी हो। तो जाओ अपने लिए कोई हरी भरी ढूंढ लो, जाओ। टैक्सी। अवंतिका सुनो तो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसा दूंगा। अब आप समझ गए मैं अभी तक कुंवारा क्यों, इसलिए। हाय। हे अवंतिका, कम कम कम, कंग्रेचुलेशंस। सॉरी मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, बैठो ना। ये क्या, तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? वो शादी कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हारी अडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूव हो जाएगी, इसलिए इंस्पेक्शन ऑफिसर से तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर दी है। तुमने ऐसा क्यों किया अवंतिका? पर प्रॉब्लम क्या है, मुझे बैंक बैलेंस दिखाने को कहा था ना, कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरोस क्रेडिट हुए हैं, मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरोस हैं, इतना तो काफी होना चाहिए ना। नहीं, इतना काफी नहीं है, ना तो तुम्हारी शादी हुई है ना जॉब गारंटी है, कम से कम 75,000 यूरोस की जरूरत होगी। मुझे पहले इंस्पेक्शन ऑफिसर से अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी होगी। नो 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 नो, यू गॉट मी ऑल रॉन्ग। कैंसिल मतलब पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई। मतलब एक्चुअली शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था, वो अभी हॉस्पिटल में है। वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए, पर मैंने कहा कि उनके आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना माँ के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी सैम के घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, प्रैक्टिकली मैं शादीशुदा हूँ। आप ये बात इंस्पेक्शन ऑफिसर को बता सकती हैं, असल बात तो यही है। शोना? एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करे, आंटी के लिए करे। बताओ तुम्हारा नया प्लान क्या है और कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। शुक्रिया, तुम देवी हो। मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी ना, पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दूंगा, चलेगा ना? यू आर अनबिलीवेबल। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हो, हाउ कैन यू बी सो हार्टलेस। ओहो दया की देवी, ऐसा होता तो तुम फ्री में मेरे लिए काम करती। ओ, रुको रुको, ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ। उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखिरी चांस दे रही हो। उसके बाद माँ कुछ ही दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी, एक बार वो ठीक हो जाएं, फिर तुम्हें घर के सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी। तुम्हें उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बनानी होगी। उन्हें ये कहने पर मजबूर करना होगा कि सैम अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए तो तुम्हें हम सबको भूलना होगा। फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगा। फिर मेरे प्लान की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। कैसा लगा? एकदम वाहियात। तुम्हें पता है मेरे पास ना एक बढ़िया आइडिया है। इस बार हम तुम्हारा घर छोड़कर कहीं और रहेंगे, एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे, और हाँ रेंट मैं नहीं दूंगी। पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा, इन्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, इट विल बिल्ड प्रेशर, जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे। क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर में मैं बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती है, मेरे पास नहीं रहती। तुम्हारा ये साथ रहने का आइडिया बिल्कुल बकवास है। ओके सामू, वेट 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 वेट। ओके फाइन, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। माँ? आंटी? अवंतिका मैं यही हूँ।
अवंतिका को पसंद करने लगी है। मुझे नहीं पता अवंतिका को घर लाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। धीरे धीरे कहीं मैं इस दलदल में धंसता तो नहीं जा रहा हूं। मुझे अब कुछ पीने की जरूरत है। अब आपने काम की बात की है सर। वैसे भी पीने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, लेकिन 2-4 पैक से आपका दिमाग हल्का नहीं होने वाला। फिर सीट बेल्ट लगाइए। अब मिलेंगे हम लैला से। मेरे पिछवाड़े आग लगी है और तू मुझे यहाँ लेकर आ गया। अरे बॉस, एक बार तो आइए ना, आपकी आग बुझ जाएगी। देखिए देखिए जरा। तू जा और जाकर उनके साथ भरतनाट्यम कर। आप यहाँ पर बैठिए, बैठ जाइए। तू कहाँ जा रहा है? बस एक मिनट में, मैं अभी आता हूँ, आप बैठे रहिए। जल्दी आना। हाँ। हाय। हेलो सैम। किशोर, ये सैम का बर्ताव कुछ बदलता ही जा रहा है। हाँ, सही कहा आपने। अवंतिका हॉस्पिटल आई थी, भैया उसे लेकर आए थे, माँ को होश आ गया है, उन्होंने उससे बात भी की। क्या सच में? क्या बात है, सुनकर चैन मिला। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए ये तो ठीक है, पर ये बात बनी कैसे? ये जानना जरूरी नहीं है मामा, वो वापस आ गई। पता नहीं क्यों मुझे शक हो रहा है। हो सकता है वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो, हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं। अब जिसने उसे धोखा दिया, अगर उसने उसे माफ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। दाल में कुछ तो काला है, कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं। इस वक्त दीदी का फोन। हेलो मैडम। ए किशोर, कहाँ हो तुम लोग? सैम से बात कर रहा हूँ मेरी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ ना। नहीं, बस इतना बताओ तुम दोनों अभी कहाँ। ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ। हाँ जल्दी करो। हाँ अभी भेज रहा हूँ। जल्दी करो। भेज दिया। ठीक है। ओके। लेडीज और शक। शिट, लोकेशन भेज दी सर। सर, दीदी का फोन आया था। उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया। मैंने उठा लिया सर, और गलती से मैंने यहाँ की लोकेशन उनको भेज दी सर। क्या? हाँ सर। एक नंबर का गधा तो मैं हूँ सर। सर, आई। आप देवी हैं, माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये जो ज्वालामुखी अपने रुकने वाली सर, जितना आप रुकोगे उतना टूटोगे। अरे रुक जा मेरी माँ। भागो सर, भागो भागो। चल हट। क्या सोच कर तूने जीपीएस लोकेशन भेजी? सर वी कैन डू इट सर। रन सर, रन रन सर। रुको। सोना दीदी, आप, मैंने तो देखा ही नहीं। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा, बताओ तो। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चलिए रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। अरे रेस्टोरेंट ऊपर नहीं, नीचे है वहाँ। चलो, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत लजीज है। अरे तुम यहाँ हो, यहाँ पर है रेस्टोरेंट, नीचे चलो। चोर पकड़ा गया, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। किशोर किशोर, बाप रे क्या मुसीबत हो गई है। चलो आ जाओ, चलो भी। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पिक के लिए नहीं, लेक के लिए आए हैं। क्या अवंतिका वापस आ गई है और तुम उसे धोखा दे रहे हो? तुम सुधरोगे नहीं क्या? मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। किशोर मुझे आने का है। किशोर, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? नहीं नहीं मैडम, वो तो मैं क्या, बॉस बॉस प्लीज यू टेक ओवर। दीदी, ये सब प्यार की वजह से हुआ है। ये लड़की जो डांस कर रही है ना, किशोर इससे प्यार करता है। कौन सी, कौन है वो लड़की? कौन सी लड़की तुम चाहते हो ये भी मैं बता दीजिए। वो वाली। वो वाली, उससे मैं प्यार करता हूँ। सही कहा, मेरे टाइप की। ये सब क्या चल रहा है? वो हम उसे समझाने आए थे कि वो ये सब छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रही हूँ। बाय स्वर्णा। बाय कर रहा है? मैं तुझसे बात करने आई थी। चल। बाय सर। बाय तेरी तो। चल चल मेरे साथ। चल। क्या कर रही हो स्वर्णा? चल मेरे साथ। बात तो सुनो तुम। किशोर, मामा जी हमारे साथ आए थे, पता नहीं कहाँ रह गए, वो ऐसी जगह में कभी आते भी नहीं। यू डोंट वरी मैम, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर। और कलयुग है, ए ऊपर वाले,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अरे कहाँ है ये सर? What's that smell? इत्र, गुलाब का इत्र। I really like it. You like it? Hey, show me that. Oh wow! What is the smell? So exotic. You apply? I supply. No. Show it to me. No, I want it. No, leave it. Give it to me. Hey, stop it. Hey, I want it. Wait for me. सच सच बताओ, अवंतिका ने तुम्हें माफ किया? वो शादी के लिए तैयार है? पता नहीं सोना, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं बस माँ के घर आने का इंतजार कर रहा हूँ। माँ को घर ले जाओ। चलिए माँ। आइए माँ। आराम से, आराम से। तुमने हमारी बहुत मदद की है, हमें बड़ी खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की नहीं। चिल, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। हे स्वर्णा, मुझे सैम पर भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24/7 नजर रखनी होगी, तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ। चलेगा ना? हे भगवान, तुम दोनों ऐसा बकवास आइडिया को मान कैसे गई? शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है। फेसबुक ने हमें तुम्हारी सारी संस्कृति के बारे में बता दिया है। था। वो सारी फोटोज फेक थी, उन पर यकीन मत करो। हाँ, सब ठीक है। ये भी रखा, सारा सामान ले आए। चलो हम चल रहे हैं। ओके, बाय। और भी बहुत सामान है, चलो। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। जरा रुको। अवंतिका यहाँ आ चुकी है। ओके। उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दो। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। बेवकूफ, इसका मतलब क्या कहते हैं उसे? प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी चाहिए उन्हें। ओ, प्राइवेसी, मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है, प्राइवेसी? किशोर यहीं रहेगा। और सुन, अपना सामान उठा और सारा का सारा अंदर रख। ओके सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ओके सर, आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। किशोर आज से हमारे साथ रहेगा, बच्चों के कमरों में, ठीक है? मैम, सर से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैम, मेरी बात सुनो, सर से मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे। सर, मैं आपकी कार में रहूंगा। सर, बचाओ सर, मुझे सर, सेव मी सर। अवंतिका, हाय। नो स्मोकिंग। व्हाट द हेक सैम, तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे क्यों तुम्हारे साथ नहीं रह सकता? उसका पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो, इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो, उतरो। अब यहाँ के नियम सुन लो, यहां का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहां पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूं। तुम यहां परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चिल, शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हूँ, तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो, वैसे भी तुम्हें चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। वियर्डो। ये मेरी ओसीडी है, इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या शंभू जी, You know you're really funny, right?
एक्चुअली तुम अकेले रहने ही लायक हो, कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो। अवंतिका, अवंतिका, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, टेक इट। थैंक्स। कैसी हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें। गुड आफ्टरनून अवंतिका, मैं यहाँ कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलो क्या। सॉरी, आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इसके पश्चात आपके लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों, जहाँ शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए? देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है, इसके पैसे दे देना। मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी चूस है। अवंतिका, ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ। इसी का तो मुझे डर है। आ जाओ, गर्मा गर्म और लजीज खाना रेडी है। इसे गर्म खाओ तो ही अच्छा लगता है, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्यों ना हम सोफे पर आराम से हाँ? बैठकर टीवी देखते हुए खाएं? हम पहले यहाँ खा लेते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखेंगे, ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, नहीं? ओके मिस्टर ओसीडी सर, अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठकर खाते हैं, ठीक है? चीयर्स। चीयर्स। ये लो ब्रेड। थैंक यू। सुनो अवंतिका, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं, कुछ अपने बारे में बताओ ना। ओ मैडम, आराम से। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी। जब मैं 7 साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके 1 साल बाद अमायरा का जन्म हुआ। मतलब तुम घर में मंझली बहन हो। अनन्या दीदी, 1.5 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी और उनके हस्बैंड की मौत हो गई। हे भगवान, आई एम सॉरी। इट्स ओके, बट अमायरा, वो झल्ली मेरी जान है, माय बेबी इज माय एवरीथिंग। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया, घर वालों को वो पसंद नहीं था, उन्होंने समझाया कि उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैं अमित के साथ लिस्बन भाग गई, इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर कभी कभी अमायरा से बात होती है, अमित के बारे में उनकी राय सही थी, मेरा और अमित का साथ कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई, इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रेस बन गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी, अब वापस नहीं जा सकती। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं, उन्हें है। Hopefully someday I miss them. Hmm.
अमायरा. हेलो हेलो अमायरा. हेलो. मियो का मोबाइल है. यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम मेरा फोन यूज कर लो. श्योर. हाँ बेबी मैं हूँ. ये किसका नंबर है? ये मेरे रूममेट का नंबर है. इसे भी सेव कर लो, इमरजेंसी में इस पर कॉल कर सकती हो. रूममेट? बताया था ना सांब शिवराव के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्पररी रूम शेयर कर रही हूँ. ओह दैट हॉट ओल्ड मैन. हाँ हाँ बताना उसके बारे में. हाँ हाँ वही हॉट ओल्ड मैन. ओह वो तेरे साथ है क्या? बोल ना, तो बात क्यों नहीं कर रही है? तेरे पास भी बैठा है क्या? हाँ यही है, मैं बाद में बात करती हूँ. आई लव यू, बाय. बाद में बात करती हूँ. ओके बाय बाय. हॉट ओल्ड मैन. I'm so sorry. मैं टिश्यू लेकर आती हूँ और इसे साफ कर देती हूँ. चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूं, पर मैं कितना कूल हूं ये नहीं पता. तुम्हें कसरत करनी चाहिए, हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें. चलो चलो चलो, रुक क्यों गए, चलो ठीक से करो. 1, come on, 100. ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है. सारा प्लान बनाया जा चुका है, रिमोट देना. हमारी पहली टारगेट होगी मेरी बहन श्वेता. मुझे नहीं पता श्वेता. वो मेरे, अरे मुझे कैसे पता होगा, तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था. एक काम ही ढंग से नहीं कर सकते ना. संभालने का काम तो तुम्हारा था. पता नहीं कहाँ चले गए. तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, हमेशा घर में ही रहते हो. और क्या करूं, मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा. जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है. इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है, तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए. तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है, मुझे तुम पर दया आ रही है. हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता. बहुत अच्छा लग रहा है बेटा. ये स्टाइल बहुत बुरी लग रही है. नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है, अच्छी लग रही है. हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? इतनी वाहियात हेयर स्टाइल कह रही हैं. मुझे भी ये स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनी. ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मी तो बेवकूफ है. अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो इनकी तरह बन जाओगी. ऐसा बनना है? नहीं नहीं. तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूं. हां ठीक है. मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले. हां क्या अवंतिका ने ऐसा किया? वो खुद को समझती क्या है? ये तो सरासर बदतमीजी है. मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ. अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है. पर मेरे लिए वो समझती क्या है? अभी वो परेशान है. परेशान वो नहीं है संगीता, परेशान मैं हूँ. वो मेरे परिवार की बेइज्जती करे और मैं देखता रहूं? कभी नहीं. अब चुप करो, वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है. दया कर रही है हम पर. और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड्डी पसली कर देती, समझे तुम? मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है. अब
मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना, हमारी बात मान जाओ। स्वर्णा अब तेरी बारी है। इस पर पहले अवंतिका का हक है। Happy birthday! No? इतनी सारी कैंडल्स, लगता है आप सेंचुरी मारने वाली हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने मेरे फेस पर लगा ना, अब चलो खाओ, लो। आंटी, आपके बच्चों की उम्र देखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है। हाँ, कॉमा के बाद आप पर फुल स्टॉप लगना चाहिए। हाँ, कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना, ऐसा लगता नहीं कि आप ज्यादा दिन टिकेंगी। अवंतिका, ये तरीका तुम्हारा माँ से बात करने का? ए, शांत हो जा, ठीक ही तो कह रही है। सभी कहते हैं मेरी जीवन रेखा बहुत लंबी है, सच बोलने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान में। मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। तुम्हारी बदतमीजी पर भी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही हो। कोई बात नहीं सैम, मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है, अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। मतलब? मत करो सर, शुभ काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मैंने तो फोड़ दिया। ब्लडी साइको फैमिली। हाँ, यू लुक वेरी सेक्सी टुडे सुवर्णा। अच्छा, मजाक कर रही हो, मैं सेक्सी नहीं दिखती। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी, मुझे लगा ये बकवास है, पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर। अरे, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। ये कौन सा परफ्यूम है? वही है, पुरानी वाली। मैंने श्वेता को नया वाला दिलाया था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। देखो तो। हाँ हाँ, सही बात है। जरा मेरे साथ आइए। रुको ना। कहाँ ना आइए? अरे लेकिन बात क्या है? क्या तुमने सोना को किस किया? उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। तुमने देखा नहीं, अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। उसके बाद क्या हुआ? ए, सर। चलो। ओके, तुम चलो, मुझे जरूरी काम है, थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? तुम कहाँ जा रही हो? कैसा साल्डो? अरे कैसा साल्डो तो रास्ते में है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ओए, किस किस इधर आना। लाइफ में रोमांस नहीं, और नाम की शुरुआत में किस। किशोर बोला करो, जल्दी बाथरूम वहां पर है, जल्दी चले जाओ। बात तो सुन, मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है, काम तो एक ही करता है। अरे यार, ये मतलब नहीं है, मैं सुट्टा की बात कर रहा था। सुट्टा मतलब क्या चीज? अरे सुट्टा नहीं जाता। नहीं। गाजा, मजे का। सर, व्हाट द हेल इज दिस सर, ये आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा, मैं इसे अपने गाँव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? हाँ,
वहाँ की सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा नहीं? अरे मैं इसे चड्डी में छुपा के लाया हूँ। ये पूरी तरह से इलीगल है सर, इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर। ये आप एंटी सोशल और एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हो। धीरे बोलना, धीरे बोल। एक हफ्ते से मैंने सुट्टा नहीं मारा, कोई कोना ढूंढ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर, आप खुद सोचिए। इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे। नो सर, आई विल नॉट अलाउ दिस, यू विल हैव टू बी साइलेंट, जस्ट बी साइलेंट। अरे साइलेंट, सुन ना, आई सेड साइलेंट, आई विल नॉट लिसन दिस। अरे क्या कर, ओ माय गॉड, प्लीज सेव दिस फैमिली फ्रॉम दिस इलीगल इंट्रूडर्स। किशोर, किशोर, अब जाकर पंछी आजाद हुआ है, अब इसे उड़ान भरनी है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तूने देखा? हाँ देखा मैंने। अब देखना, ये अच्छा आसन है, मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी हेडेक। ए किशोर, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल गैस ऑफ कर दे, जा। ये घर में इतना धुआं क्यों फैला रखा है? दम घुट रहा है। ए किशोर, क्या क्या कर रहा है? हाँ, आई डोंट नो बट इट्स क्रेजी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। अरे 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 अरे, ओ जस्टिन टिम्बर भाई, तू रो क्यों रहा है भाई? मुझे याद नहीं है। तो फिर किस बात के लिए रो रहा है? जो भूल गया उसे याद कर रहा हूँ। तूने बहुत अच्छा किया किशोर, जो इसे जला दिया, सभी को जन्नत की सैर करा दी। वैसे ये सैम कहाँ पर है? उसके प्लान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। क्या रे महेश, तू हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैं कुछ नहीं करूंगा, सत्य की हमेशा जीत होती है, समझी दीदी? मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है, पर वो लड़की, क्या नाम उसका? अवंतिका। हाँ अवंतिका, वो लड़की स्मार्ट बनकर निकल गई और आप लोगों को जरा भी बुरा नहीं लगा? वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो सैम की दीवानी हो गई है। पर उसकी दीवानी उसके बर्ताव से मैच क्यों नहीं हो रही है? उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया? अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछूं? पूछ पूछ पूछ। वो सैम को लेकर चली गई, फिर भी आपको कभी अकेला महसूस नहीं हुआ? मैं बस अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चढ़ने मत दीजिए दीदी, अगर आप ऐसे ही सहती रही ना तो वो आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी, फिर आप क्या करेंगी? तब कैसा लगेगा आपको? हा? कभी सोचा है इस बारे में? हा? एक किशोर, जाकर गैस बंद कर देना। ऐसे क्यों खड़ा है? लग रहा है जैसे कोई छमिया अपने कस्टमर का इंतजार कर रही हो। छमिया, जाना। हाँ मुझे कुछ याद आ रहा है। राफेल, I need to go to the loo। क्या का? टंकी खाली करने। I don't know। आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। सॉरी यार, यू कम कम। आ जाओ सर। ठीक है मैं ही आता हूँ, शर्माने से कुछ नहीं होगा। हे, मुझे मारेगा तू? हे भगवान, इसकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? लगता है इसे जोर से लगी हुई है। ब्लडी डार्क फेलो, मुझे होशियार रहना पड़ेगा। सॉरी सर, पहले आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा सर। मैंने सॉरी बोला ना सर? कुछ तो बोलिए ना सर, जब मैं बोलूं तब मत बोलिए, मेरे बाद बोलिए। ठीक है सर, मैं तीन तक गिनती गिनूंगा फिर आप बोलना सर। ओके, वन, मैं एक नंबर करने आया हूं। मैं यहां एक नंबर करने ही तो आया हूं। हाँ मायरा। हेलो, मैंने अभी तेरा मैसेज पढ़ा, तो अमित से मिलने क्यों गई है? तेरा दिमाग तो ठीक है? Are you crazy? रिलैक्स रिलैक्स किडो,
इट्स नॉट लाइक आई वांट टू मीट हिम। मेरे कुछ जॉइंट अकाउंट अभी भी उसके साथ हैं। उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है और वो मेरे पैसे लौटाना चाहता है। बस वही लेने जा रही हूँ। लिसन लिसन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी घर आ जाओ। अमायरा, प्लीज, मैं नहीं चाहती तुम उसे दोबारा मिलो। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ओके, बाय अमायरा। प्लीज, नो, लिसन। हेलो, गिव मी द मनी अमित। बस ऐसे ही फॉर्मल हेलो करोगी, गले नहीं लगाओगी। दिल में प्यार बचाने शायद, लेकिन यार तो आज भी हूं ना तेरा। कम अमित। अरे कम ना बाबा। अमित गाइस, कुड यू प्लीज। शो मैन, प्लीज गो अहेड। इट लुक्स लाइक शी इज हिज एक्स गर्लफ्रेंड। अमित मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। बैठो ना यार, इतने सालों बाद मिले हैं, दो चार बातें तो कर ले। तुम्हारे पैसे हैं, दे दूंगा। मैं बदल गया हूं यार। हेलो। हेलो सैम, मैं अमायरा, अवंतिका की छोटी बहन। हाय अमायरा। अवंतिका कहीं बाहर गई है। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया है, तुमने उसे अमित से मिलने के लिए क्यों भेज दिया? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है। तुम्हें पता है उसने उसके साथ क्या किया था? नहीं। अमित, I don't want to talk about the past. See, तुम जरा भी नहीं बदली। अमित, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन तुम जब से आई हो तब से साला फोन बजे ही जा रहा है। अमित, give me my phone. अरे चिल यार, नहीं दूंगा, फोन ही तो है। And now let's have a conversation. अमित, don't be ridiculous. Give me my phone. मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरा फोन दो। I'm being ridiculous. Really? अपनी ex girlfriend से मिलने आया था, सोचा बिना किसी disturbance के बातचीत करेंगे। I was being so sweet to you. I even offered you to pick you up, but you refused. Wow. अमित, you know what? मुझे अब जाना चाहिए। Just give me my phone and I'll leave. अरे हद है यार, हाँ? Just because I didn't let you talk to this Sambhashiv Rao, हाँ? है कौन ये बैंड का ठका? कौन है ये? एक मिनट. Is this the guy you're seeing these days? Come on, tell me. Sir, tell me. You need to keep your voice down. No, I won't keep my voice down. No, sir, please. I paid you good money and I will this talk to my girlfriend as I please. To create please, any nonsense. Shut up. Please. What? Stop, Amit. Sir, please. If you don't lower your voice, I need to call the cops. Stop, please call the cops. Call them. Just give me my phone and I'll leave. Phone chahiye tujhe. I'm telling you, please. If any one of you guys touch me, I'll break your face. Just take this man out. Said you, you understand? Don't hold any nonsense at all, please. Silent, please. Understand? तो ये है तेरा संभाषिव राव। अरे बाप रे, अरे मैंने तो सोचा था कोई जवान लौंडा होगा, ये तो आधा बुढ़ा निकला रे। <laughs>
मारो उसे। नहीं नहीं प्लीज साहब, रहने दो। मारो इस कमीने को। साहब प्लीज। मारो इस कमीने को। इतनी बड़ी बेवकूफ, अगर कोई तुम्हें दोबारा मारे तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कर रही हो? सीट बेल्ट। कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक हिम्मती लड़की हो, वैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, वहीं ठोक देना चाहिए 10 साल। मारो इस कमीने को। बोलो बोलो, एक बार फिर से बोल के बताओ ना। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? हे कम। इट्स ब्यूटीफुल आउट हियर। यस वेरी मच। मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ सालों से नए नए परफ्यूम बना रहा हूं। पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं, पर इस बार मैंने जो परफ्यूम बनाया है उन्हें वो बहुत पसंद है। तुम देखोगे? तुम्हारी महक। कैसा लगा? कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। आज तुम्हें सभी से झगड़ा करके सब खत्म करना है, फिर तुम कहीं भी जा सकती हो। क्या हुआ बॉस, आपने यहां पर बुलाया? मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता। ये आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस। अवंतिका है ना? मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एहसास हुआ है या नहीं। यू आर इन लव। आप उसे कहते क्यों नहीं हो बॉस? ये तो क्या कह रहा है? मेरी उम्र देख और अवंतिका की उम्र देख। आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो समझा नहीं, ये लड़की उन लड़कियों से अलग है।
वो सब आने जाने वाली थी। मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, पर ये लड़की सबसे अलग है। मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, पर जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है, उसकी हंसी, उसका बोलना, उसका गुस्सा, मैं अवंतिका को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा, मुझे डर है। मां ने एक बार मुझसे कहा था कि हर चीज का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बेटा, पर उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिंदगी के सही मायने क्या होते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, पर अब जाके मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। अगर अब मैं अवंतिका से अपने दिल की बात कहूं, ये खुदगर्जी होगी। कैसी खुदगर्जी बॉस? आपको लगता है कि उम्र बीच में आ रही है? कभी आपने उससे पूछा क्या? एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ये गलती उससे दोबारा हो। अवंतिका के लिए ये अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दीदी, बहुत टाइम हो गया, आपके बेटे को तो अपने और पराये से कोई मतलब नहीं है, पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई हैं। मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है। वैसे अब कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। ए, ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब भी बुलाऊंगी तुझे दौड़कर आना पड़ेगा। दीदी का ख्याल रखना। नमस्ते मामा। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। हाँ, बैग में ले लेता हूँ। हाँ, वो जल्दी आ जाएगा। अवंतिका, जैसी बात हुई थी, तुम्हारा फाइनल चेक रेडी है। काम पूरा हो तो ये मिल जाएगा। गुड, डोंट वरी, आज सारा खेल खत्म हो जाएगा। अरे अवंतिका, खाना अच्छा बना है, अवंतिका को आने दो। हेलो। हाय। माँ, आपको कुछ चाहिए? मैं आपको गोभी के पराठे दूँ? अवंतिका को दो बेटा। अवंतिका, गोभी के पराठे? क्या हुआ अवंतिका? अवंतिका क्या? नहीं चाहिए। खा लो खा लो खा लो, क्या लगा रखा है? हाँ, हर रोज बस यही खाते हो क्या? एक ही चीज हर रोज। बात यह है, सैम के पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद थे। वो हर संडे गोभी के पराठे ही खाते थे। उनके जाने के बाद हम उनकी याद में हर संडे गोभी के पराठे ही बनाया करते हैं। किसी हॉरर फिल्म की कहानी लग रही है ये। वो तो मर चुके हैं, आप हमें क्यों टॉर्चर कर रही हो? मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला खिला कर मार डाला, और अब मुझे भी मारना चाहते हो। Stupid people, bloody sentiments. मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉर्चर हम सबके साथ भी होगा। What the hell? Thank you.
तुम्हें कुछ कहना है, बताओ मुझे। तुम्हारी परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी, बताओ मुझे। तुमने मुझे जाने दो बेटा, मुझे पता है तुम इससे नाराज हो, पर हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूं। हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं, चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बोलो कहां गलती हो गई हमसे? तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना? तुम सही हो, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं, बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूं। पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटा, जाओ यहां से। फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा, पर जहां भी रहो खुश रहना। पेमेंट थी ना? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? इस सब के बाद भी मां से शादी की बात तक नहीं की, वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दोनों खुश रहें। जानते हो सच्चा कौन है? तुम्हारी मां। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो, उनके सामने सच बोल दो और सब खत्म कर दो। पर मैं उनके जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम। आखिर तुम्हें इमोशन से इतना डर क्यों लगता है? जानते हो इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है, और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम। आई एम होपलेसली इन लव विद यू। पर अगर तुम अपने माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए हो, फिर मेरे प्यार को क्या समझोगे? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है ना? कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ? Give me the money. Give me the money now. Now. अपनी माँ के आंसुओं की तुम्हें कदर नहीं है ना? एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। क्या हुआ? और नहीं सुनना, बैठो। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे, उसने मेरे ही कहने पर प्यार की एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई। और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बर्ताव का कारण मैं ही हूं। पाप किया मैंने। अवंतिका यहां से रोते हुए चली गई, वो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जहां वो कुछ ही दिनों में आप सबको समझ गई थी, मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाया। मैं शादी कैसे करता? मैं तो आप सबको दुख पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सा भी प्यार नहीं हुआ था। पर उसके मुझसे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगैर नहीं जी पाऊंगा।
मैं यही कहना चाहता था, मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो आप सबकी माफी का हकदार भी नहीं हूं, पर अवंतिका को माफ कर देना। सॉरी आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, आप हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैं हर दिन ये प्रार्थना करूंगी। सैम, उसे वापस लेकर आओ। जाओ 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 जल्दी जाओ सैम, जाओ ना। मैंने सब सुन लिया है, कोई नई स्कीम मत बनाना। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने बस फैसला ले लिया, जवाब दो। हाँ जी। ए सैम, सैम अवंतिका, अब ए, अब तुम दोनों शादी करोगे या ये भी नाटक है? आ जाओ। माँ तुम भी आओ ना।